ਤੇ 4-1 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब इतनी सुबह सुबह सूरज इतना तेज़ होता है ना कि धूप में खड़ा होना जो है ना बर्दाश्त नहीं होता तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मौसम चेंज हो रहा है, ज़ाहिर है थोड़ी गर्मी आएगी तो हमारी गंदम जो है वो भी पकेगी। फ़िलहाल जनाब यहाँ पे कुछ पार्सल्स हैं, इनको ओपन करते हैं इंशाल्लाह। कुछ पार्सल इतने लेट हो जाते हैं ना याद नहीं रहता कि क्या था। हाँ ये जी कंप्यूटर बॉक्स है जो भाई मुबशर के वो टाइगर को लगेगी यानी आल्टो को लगेगा। ये सीड है जी मिंट के, ये बीज है, ये मोबाइल कवर है और ये भाई मुबशर की जो टाइगर है ना आल्टो उसकी चाबी का सिलिकॉन कवर। बाथरूम स्टैंड, ये छोटे समोसे बनाने के लिए इसको भी इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। ये हमारे किचन के सिंक के लिए, ये भी आपको दिखाता हूँ। और ये डाटा केबल, ये स्कार्फ कैप्स हैं फातिमा और ब्रीजा के लिए। कंट्रोलर, गेम पैड कंट्रोलर। हा 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 हा, फाइनली ये पहुँच चुका है। तभी कुछ चीज़ें जो ट्राई करने वाली हैं ट्राई करते हैं और जो बाद में ये लगाने वाली हैं इनको फिर इंशाल्लाह लगाएंगे। ये है जी वायरलेस कंट्रोलर गेम पैड। दो कंट्रोलर हैं, एक डिवाइस है और कुछ इसमें केबल्स हैं। तो अभी इनका सेटअप लगाते हैं और फिर देखते हैं ये क्या चीज़ है। एक मेरा जी, एक आपका एक मेरा, ठीक है, एक बिया का, ठीक है, ठीक है। इसमें कोई 20,000 गेम है, हम स्क्रॉल किए जा रहे हैं। HDMI के साथ लग गई थी, ये देखें गेम्स। एक ये चीज़ थी, इसकी आपने ऐड तो बहुत देखी होगी, मैंने तो बहुत देखी थी। ये मंगवाई है तो बस इसकी यही शेप है, दूसरी नहीं। यानी एक पानी वो होता है, एक थोड़ा कम और एक ज़्यादा, लेकिन ये यही डिज़ाइन है। और ये सारी चीज़ ऐसे लगती है जैसे मेटल की है, लेकिन ये है नहीं, बस क्रोम चढ़ा हुआ है, ये प्लास्टिक की है। तो ऐसे वैसे घूम घाम जाती है। तो ये यहाँ पे ज़रूरत इसलिए थी, ऊपर से पानी नीचे पड़ता था ज़्यादा ऊपर से, तो फिर पानी ज़्यादा बाहर भी आ जाता था। अब ये नज़दीक से भी पड़ेगा ना ऐसे करके, ओके हो गया, ज़बरदस्त। यहाँ पे एक और पार्सल है, ये है जी मेरा कॉटन का सूट। अभी इसको भी अनबॉक्स करते हैं। और ये आया है जी हैनली वेज की तरफ से, हैनली वे की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि गर्मियाँ हैं और गर्मियों में कॉटन का सूट ना हो ये कैसे हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह। वाओ, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अक्सर ये होता है कि कॉटन का सूट जाना या कपड़े जो होते हैं, अब मेरे साथ तो हुआ है कि वो धुल के ना वो सुकड़ जाते हैं, तंग हो जाते हैं। एक सूट मेरा है भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हैनली वे वालों का जो सूट है ना ये बिल्कुल भी सुकड़ता नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट क्वालिटी का है, आप फील कर सकते हैं माशाल्लाह। तो अभी ये सिलाई के लिए भी देंगे, मिलेगा तो हमें ईद के बाद, लेकिन कोई बात नहीं है। आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है ईद डिस्काउंट चल रही है 20%, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो आपको ये 20% डिस्काउंट पे मिलेगा। प्रोमो कोड स्क्रीन पे शो हो रहा है, अभी से जाके बाय कर लें, माशाल्लाह बेहतरीन सूट है, कमाल का सूट है। इससे पहले मैं हैनली वे का बोस्की का सूट जो है वो इस्तेमाल भी कर चुका हूँ बाकायदा सलवा के, माशाल्लाह कमाल का रिज़ल्ट है। और जो पहन के फील आती है ना तो वो लेवल की है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और ऊपर से अगर सिलाई करने वाला अच्छा टेलर होना तो 4 चांद लग जाते हैं माशाल्लाह। तो अभी इसको सिलाई के लिए देके आते हैं। वाइट, प्योर वाइट कॉटन माशाल्लाह। और ये ऑफ़र महदूद मुद्दत के लिए है, ये ना हो कि ऑफ़र मिस हो जाए, 20% डिस्काउंट चल रहा है तो अभी बाय कर लें। और रेट बहुत ही मुनासिब है, मार्केट से ये वाला सूट जो है ना एक तो मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा तो इस रेट में मिलेगा नहीं, और मुमकिन है ये सूट ना मिले तो ज़रूर खरीदिएगा। थैंक यू, ये बात अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ ये सूट आता है विद बटन्स के साथ माशाल्लाह, और बटन क्यूट से है माशाल्लाह, सिल्वर वाइट। ये
माशाल्लाह जी, माशाल्लाह हमारा कॉटन का सूट जो है ना, अस्सलाम वालेकुम, टेलर मास्टर्स के पास पहुंच चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फिलहाल अभी टाउन जा रहे हैं एमरजेंसी में, क्योंकि आज है मंडे, सोमवार है और ईद की छुट्टियाँ जो हैं वो शुरू पता नहीं कल से हो जाएँ कब से हो जाएँ, तो हमारे बिजली के बिल जो है ना आपको पता लग के आ रहे हैं, इस दफ़ा फिर से लग के आ गए हैं। हमने लास्ट टाइम ये जमा करवाए थे पोस्ट ऑफिस में, तो ये जमा हो गए थे, लेकिन दोबारा से अब ये यहाँ पे लग के आ चुके हैं। ये दूसरा है, एक तो जो ये वाला ऊपर वाला बिल है ना, ये बिल भी नहीं मिला, तो इसका भी एक डुप्लीकेट निकलवाना है, तो फिर वहाँ पे जमा करवाते हैं। और पता नहीं ये लग के आने वाले जो बिल है ना, इनसे कब जान छूटेगी। और ये जो लग के आ रहे हैं ना, ये दो महीने से लग के आ रहे हैं, ऊपर ये स्लैश भी बना हुआ है, अभी मैं दिखाता हूँ। ये देख लें, ये 36,973 जो है ये स्लैश 2 है, यानी दो महीने का ये लग के आ रहा है। अब पता नहीं क्या यार सीन होता है, हालांकि हमने सारे के सारे जमा किए हुए हैं, बस वो ये गलती हुई थी कि लास्ट डेट को हमने पे किए थे, मतलब महीने की आखिरी डेट को, तो इसलिए वो अब तक सिस्टम जो है वो अपडेट नहीं कर पा रहा। पता नहीं क्या साफ है, मैंने कहा भी था कि खैर है लग के आने दें, मैं दोबारा से जमा करवा दूंगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी हमें पीछे से ऑर्डर है, अभी के अभी जमा करवाएं, बस पंगे में पड़े हुए हैं। खैर जी, मैं जा रहा हूं, भाई मुबशर जा रहे हैं, और देखते हैं और कौन जा रहा है। अपनी टाइगर वो गई हुई है कहीं, वहां से अपनी टार्जन वहां पे देनी है, और टाइगर जो है वो लेनी है, और उसको इंस्पेक्शन के लिए लेके जाना है 786 मोटर्स पे, जो पीपीएफ करवाया ना, वो जहाँ जहाँ से थोड़ा उखड़ा हुआ है तो उसको सेट किया जाए, तो वो भी करवाते हैं, और ये बिल का मसला जो है, मतलब ये बिल भी जमा करवाते हैं, और बस यही काम था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, टाउन पहुंच चुकी हैं, और ये डुप्लीकेट बिल जो है ये भी निकल गया है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी जमा करवाते हैं। अब एक और नया पंगा पड़ गया है, जो हमने डाका ने जमा करवाए थे ना वो लग के नहीं आए, जो पहले महीने लग के आ रहे थे ना, जो हमने लास्ट डेट पे किए थे, वो अब लग के आ रहे हैं, तो वो उन्होंने स्टैंप लगा के ऐसे साइन करके कम कर दिए, सिस्टम से नहीं कम करवाए हुए, हालांकि वो हमने पे कर दिए हुए हैं। अभी फिर उनसे रब्ता करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यार क्या से आपका अच्छा है, देखियो 29,654 जो है ना ये हमने पे किया हुआ है। ऐ सर 29,654 पे है जी, सही हो गया। अब ये जो लग के आ रहा है ना, ये वो वाला लग के आ रहा है जो पहले हमने एप्लीकेशन से लेट जमा करवाया था 29 तारीख को। वालेकुम सलाम आरव भाई, क्या हाल है? अलहमदुल्ला। आरव भाई ये जो बिल तुही घट किए दिन उ लग के आ रहा है डाकखाने वाला, तो पेड है जी, उ लग के आंदा पे। सब तो पहला अपने अकाउंट च उतार रहा, तो मेरे सीधा भी भेजी दया ने नहीं निकले दे, नाल लग के आया पहले आला। चलो मैं डीक लेना। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मसला जो है ना वो हल हो गया है, लेकिन 10,000 का मुझे चूना लगा और 15,000-20,000 का भाई मुबशर को लगा। जो हमने लेट बिल पे किए थे ना, उन्हें 28 को किए थे, वो रिवर्स हो गए थे 28 फरवरी को हमने पे किया था, 11 मार्च को वो रिवर्स हो गए थे, हमें नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, तो बस उसी का रोला था। अभी फिर से मैंने अकाउंट की हिस्ट्री में गया हूँ, तसल्ली से मैंने सारा जनवरी से लेके अब तक चेक किया ना, तो वो सेम अमाउंट जो हमने पे की थी वो रिवर्स हो गई है, तो फिर टैक्स वगैरह तो जो है वो तो डले हैं। वो 10,000 टैक्स था, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखें 22,758 जो है ये बिल था जो हमने पे किया था, लेकिन ये रिवर्स आ गया, और फिर अब हमने एक्स्ट्रा जो है ना 32,097 यानी 10,000 जो है 10,000 से थोड़ा सा कम है, ये हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मसले का हल हो गया, नहीं तो समझ नहीं आ रही थी ये लग के क्यों आ रहा है और जान क्यों नहीं छोड़ रहा। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइगर पे बैठे हुए हैं, टाइगर की आज इंस्पेक्शन है,
तो वो जाएंगे हम सीधा सियालकोट, मैं और भाई मुबशर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने जो अपनी टाइगर है ना वो दे दिए इंस्पेक्शन के लिए। अभी शहर के अंदर भी काम है, वहाँ पे जा रहे हैं फिलहाल, तब तक हमारा काम भी हो जाएगा और ये काम भी कर लेते हैं। लीजिए जी, माशाल्लाह अपनी टाइगर जो है ये अभी धुलेगी, फिर इसकी इंस्पेक्शन होगी ज़रा तसल्ली के साथ। तब ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक जो है बैक कैमरा, रियर कैमरा, वो इंस्टॉल करना है, बाकी काम ओके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लीजिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह कैमरा भी इंस्टॉल हो गया, इंस्पेक्शन भी हो गई, सब कुछ ओके देन क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम वापस जाएँगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अकबर। गाड़ी धुल के नई भी हो गई है, मतलब साफ सुथरी हो गई है माशाल्लाह। सीट आगे कर लें। खोल जा सिम सिम। ओ ये तो आसमान को जा रहा है भाई साहब। बहरहाल जी लग गया, थोड़ा एडजस्ट होने वाला है, बात नहीं कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी हम बाजार जाने लगे हैं, पहले ही शहर में खैर, लेकिन वो आगे बाजार जाने लगे हैं। वहाँ से हमें चाहिए जाली, जाली हम लगाएंगे क्रिकेट के लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और फिर क्रिकेट खेला करेंगे ये बात, क्योंकि जैन भाई खेला करते हैं, वो बाहर जाके तो इन दिनों खेत तो बिजी हैं, खेतों में वो लगी हुई हैं फसलें लगी हुई, तो फिर क्या होगा कि जाल हम अपने घर में लगा सकते हैं। फिर वो कौन सी जगह, उसका नाम क्या है, फार्म हाउस, फार्म हाउस, फार्म हाउस पे भी हम जाली लगा सकते हैं। तो ये जगह हैं जहाँ पे हम जाली लगा सकते हैं, जाली लगाएंगे फिर क्रिकेट खेलेंगे। अगर हम अपने सेहन में लगाते हैं तो हमारे पास, जैसे टार्जन का शीशा टूट गया था फिर खतरा है, तो इसलिए, और घर की विंडोज़ भी बड़ी बड़ी हैं, तो इसलिए घर पे लगा सकते हैं और फार्म हाउस पे लगा सकते हैं, ये दो ऑप्शंस हैं। अभी जाके देखते हैं कि कहाँ पे लगाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो यहाँ से हमने सिर्फ और सिर्फ जाली लेके जानी है, बांस का बंदोबस्त वहीं से होगा, डंडों का बंदोबस्त वहीं से होगा, और बैट और बॉल का भी बंदोबस्त हम वहीं से करेंगे इंशाल्लाह। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमें नेट भी मिल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंशाल्लाह सारे काम हुए तमाम, अब सीधे घर जाएंगे इंशाल्लाह। अभी तरबूज ले लेंगे। ये बात माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, करो पैक। अल्हम्दुलिल्लाह जी, लाल लाल के चक्रों में टक्की लगाते मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह 10 तरबूज जो हैं वो उठा लिए हैं, 4 बड़े वाले, 4 दरमियाने वाले और 2 छोटे वाले अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हमारे 4 ही घर हैं, सारे आज रज के तरबूज खाएंगे क्योंकि सबके फेवरेट है माशाल्लाह सबके। ये पड़े हुए हैं इधर भी तरबूज ही तरबूज। हाँ जी भाई, जबरदस्त हो गए, मुझे खुशी हुई है। हाँ मुझे भी पता था कि भाई खुशी होंगे मैं अगर ज्यादा भी खरीदूंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह। 6 ते 4 1
जाते जाते ना हमें कचौरियाँ भी चाहिए, कचौरियाँ नहीं भोगी रही ने रही चिकन वाले समोसे लगे ने आलू वाले समोसे जो है ना ये फ्राई हो रहे हैं। टाइम जो है ना बहुत थोड़ा रह गया है और हमारा रोज़ा जो है ना रस्ते में ही अफ्तार हो जाएगा आज भी। और माशाल्लाह यहाँ पे इत्तफाक से ना भाई के एक सब्सक्राइबर ने हमें खजूरें भी दे दी थी रास्ते से। अभी पानी भी आ गया, खजूरें भी आ गई, समोसे भी आ गए माशाल्लाह। अभी थोड़ा सफर कर लेते हैं और फिर जहाँ पे अफ्तारी होगी वहाँ पे अफ्तारी करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी रोजा खुल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह तरबूज आ चुका है तो अभी तरबूज खाएंगे और मजे करेंगे। तो खैर जी आज की वीडियो बस यही थी, यहीं पे खत्म करते हैं और इसी दुआ के साथ खत्म करते हैं कि अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें और अपनों को खुश रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। इधर भी तरबूज चल रहा है।